ये जुबान फिसलना क्या होता है? जुबान फिसलना मतलब ये होता है कि आप कुछ बोलना चाहते थे लेकिन आपके मुंह से कुछ और निकल जाता है, मतलब जल्दबाजी में अर्थ का अनर्थ हो जाता है। आपकी भी कभी कभी जुबान फिसलती होगी, मेरी तो हर कभी जुबान फिसलती है। खास तौर पर जुबान फिसलती है राजनेताओं की। उन राजनेताओं में सबसे ज्यादा जुबान फिसलती है कांग्रेस पार्टी की राजनेताओं की। कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हो चाहे एक प्रदेश स्तर का कोई कार्यकर्ता हो, सभी की जुबान फिसल ही जाती है। और ऐसी जुबान फिसलती है कि उनकी भद्द पिट जाती है। आज हम एक किस्सा कांग्रेस पार्टी की एक दिग्गज नेता की जुबान फिसलने को लेकर करेंगे। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं अयोध्या। मामला दो दिन पुराना है, जब मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक कांग्रेस पार्टी की रैली चल रही थी। उस रैली को संबोधित कर रहे थे मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री, साथ ही कांग्रेस पार्टी से विधायक सज्जन सिंह वर्मा। उन्होंने शहीदों का नाम लेना शुरू किया। शुरुआत में अच्छे शहीदों का नाम लिया, गांधी, भगत सिंह, सरदार पटेल, लेकिन आखिर में उन्होंने देश का विभाजन करने वाले जिन्ना का नाम, जिन्ना साहब ले लिया। जिस व्यक्ति ने इस देश का बंटवारा किया हो, भारत से पाकिस्तान अलग करने की मांग की हो और भारत से पाकिस्तान को अलग करवाया हो, उस व्यक्ति का नाम इतने सम्मान के साथ ले रहे हैं। जरा देखिए, आजादी हमारे पुरखों ने दिलाई, महात्मा गांधी, नेहरू जी, सरदार वल्लभ पटेल, सुभाष चंद्र आजाद, जिन्ना साहब। अब सज्जन सिंह वर्मा ने जिन्ना को जिन्ना साहब बोल दिया, लेकिन इस बात से इनकी पार्टी वालों को कोई एतराज नहीं है। उनकी पार्टी वालों को रत्ती भर का गुस्सा नहीं है, क्योंकि उनकी पार्टी के ही सबसे युवा नेता, सबसे वरिष्ठ नेता, इस देश का नेतृत्व करने वाले नेता राहुल गांधी भी लगातार इस प्रकार के बयान देते हैं। जरा सुनिए। मसूद अजहर याद होगा, अब ये 56 इंच वाले छाती वाले, आपको याद होगा जब इनकी पिछली सरकार थी तो एयरक्राफ्ट में मसूद अजहर जी के साथ बैठकर राहुल गांधी जिस व्यक्ति को इतना सम्मान दे रहे हैं, राहुल गांधी जिस व्यक्ति को मसूद अजहर जी कह के पुकार रहे हैं, असल में ये व्यक्ति एक इस्लामिक टेररिस्ट है। पाकिस्तान का इस्लामिक टेररिस्ट संगठन जैश ए मोहम्मद का लीडर है, पूरे विश्व में आतंकवाद को फैला रहा है, उस व्यक्ति को राहुल गांधी इतना सम्मान दे रहे हैं। बार बार लगातार इस प्रकार की जुबान फिसलना गलती नहीं होती, ये उनके संस्कार होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस पार्टी का धोखे से जुबान फिसलने वाले बयानों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। अब बारी आती है विश्व प्रख्यात अपने बयानों को चर्चा में रखने वाले, हमेशा सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्गी राजा की। दिग्विजय सिंह कभी ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कहते हैं, तो कभी आतंकवादी हाफिज सईद को हाफिज सईद साहब कहते हैं। जरा सुनिए। पाकिस्तान के मिलिट अकेडमी के 100 गज दूर पर ये ओसामा जी जो है कई वर्षों से रह रहे थे। अब जरा देखिए, अमेरिकी सेना पाकिस्तान पहुंची। पाकिस्तान पहुंचने के बाद मोस्ट वांटेड आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को मार गिराया, जिसके बाद भारत में बैठे दिग्विजय सिंह को बड़ी पीड़ा हुई। दिग्विजय सिंह अब ये कह रहे हैं कि इस आतंकवादी का अंतिम संस्कार अच्छे से होना चाहिए। बड़े दिल से दिल के तार जुड़े हैं दिग्विजय सिंह जी। अगले बयान में दिग्विजय सिंह ने विश्व के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हाफिज सईद को हाफिज सईद साहब कहकर पुकारा। कितना प्रेम लगता है आपसी में एक दूसरे के प्रति। हाफिज सईद साहब ये हाफिज सईद लश्कर ए तैयब का लीडर है, लश्कर ए तैयब का सरगना है। पूरे विश्व में किस प्रकार से इस्लामिक टेररिस्ट को फैलाया जाए,
इस बात की पूरी चिंता हाफिज सईद कर रहा है जिसको दिग्विजय सिंह इतना सम्मान दे रहे हैं। जुबान फिसलने वाले कांग्रेस पार्टी के नेताओं की श्रृंखला यहीं खत्म नहीं होती, ये श्रृंखला काफी बड़ी है, लेकिन हमने उनमें से सिर्फ 4 से 5 नाम निकाले और आपको ये बताने की कोशिश की कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के नेताओं की हर कभी जुबान फिसल जाती है। अब अगली बारी है, अब हम आपके सामने पेश करेंगे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला को कि उनकी जुबान किस तरह फिसली थी। सुनिए, अफजल गुरु जी को हम पूरी न्याय प्रणाली के अनुरूप अफजल गुरु जी को, रणदीप जी जिस गुरु जी की बात कर रहे हैं वो कोई पाठशाला या फिर स्कूल में पढ़ाने वाले गुरु जी नहीं है जिनको हम सम्मान से कहते हैं गुरु जी प्रणाम, बल्कि ये वो गुरु है जिसने संसद पर हमला किया था और सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। ये वही अफजल गुरु है जिसकी बरसी जेएनयू में मनाई जाती है। ये वही अफजल गुरु है जिसने आतंकवाद को देश में बढ़ावा दिया था। तो आपने देखा किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के बड़े से बड़ा नेता और छोटे से छोटा नेता हर कभी अपनी जुबान फिसलने का शिकार हो जाता है। ये कोई गलती नहीं, ये उनकी पार्टी के संस्कार है। लगातार इस प्रकार की बयानबाजी करना, आतंकवादियों का पक्ष लेना, सेना पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, ये कांग्रेस पार्टी की आदत बन चुकी है। अब आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक इस प्रकार के बयान आना अच्छी बात नहीं है। और खास बात तो ये है कि मध्य प्रदेश में चुनाव नजदीक है, पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी है, इसके बाद नगरीय निकाय चुनाव है, इसके बाद विधानसभा चुनाव है, और ऐसे में कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता, पूर्व मंत्री और विधायक अपनी जुबान फिसला रहे हैं। इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, साथ ही इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।